जेन्युइन ब्रो, जेन्युइन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल वंस अगेन। एक ये नई शक्ल आप देख लो। हाय गाइस, आगे क्या बोलूं मैं? कुछ सिखाया नहीं है तो सब स्पॉन्टेनियस है भाई। आते सडनली बोलते चलो लॉक बनाएंगे, कैमरा चालू कर दिए, शक्ल पे रख दिए, क्या बोलूं मैं, कुछ नहीं मालूम, टॉपिक भी नहीं मालूम क्या है करके। प्राइवेसी इन्वेजन कहते हैं इसे। कोई बात नहीं भाई, आज भाई देखो जैसे हमारी फाउंडेशन तो हो गई खत्म UCW की, कर ली जैसे तैसे हमने धक्का दे के, मतलब अगर हमने कर ली तो कोई भी कर सकता है, वो वाली बात है। पर अब बताते पहले सब्जेक्ट कौन कौन से है इसमें। फाउंडेशन भाई एक तो क्वांटिटेटिव है, एक इकोनॉमिक्स है, और एक कौन सा था रे, फाइव बनता है ना, बिजनेस कम्युनिकेशन। हाँ, सब याद है बिल्कुल एकदम। तो हम भाई अब देखो इसमें क्या है, असाइनमेंट तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। पहले भाई सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या, मतलब इकोनॉमिक्स में तो पता ही आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, क्वांटिटेटिव में मैथ्स है, बेसिक मैथ्स जो होता है उसमें भी एक्सेल पे सिखा देते हैं तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं, वो भी हो जाता है। और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस वाला जो है, कम्युनिकेशन वाला, उसमें आपको ईमेल्स वगैरह लिखनी सिखाएंगे, वो आप चैट जीपीटी से भी सीख सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और प्रेजेंटेशन भी सिखाते हैं। हाँ, प्रेजेंटेशन चैट जीपीटी नहीं देगा, वो आपको खुद देनी पड़ेगी। मास्टर्स इन पीपीटी करना सिखाते हैं। तो उसके बाद क्या है भाई, और एपीए फॉर्मेट में तो बोल, हाँ एपीए फॉर्मेट सिखाते हैं भाई। बस मेन यहाँ पे वही है, अगर आप डायरेक्ट एमबीए में आओगे ना तो आपको एपीए पता नहीं होगा, तो आधे बच्चों का तो इसलिए दिक्कत होती है। कंटेंट कुछ भी हो, हाँ एपीए इम्पोर्टेंट है, कुछ भी लिख दो नीचे एपीए में है तो वो नंबर दे देंगे, वो वाला हिसाब है। तो मेन यही है भाई। और यूनिवर्सिटी तो ठीक है, यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रोफेसर अपने देख के भाई ढंग से लेना। और असाइनमेंट यहाँ पे असाइनमेंट का बड़ा हुआ है, टाइम पे देना। पेपर तो हमारे हुए नहीं, पर यूनिवर्सिटी कह रही है कि अब अगस्त से पेपर भी लेना चालू करेगी फाउंडेशन में। हमारे नहीं हुए, वो हमारी किस्मत अच्छी है। हमारे कहते हैं ओखली में सर दे दिया तो देखी जाएगी, पूरी एमबीए करके हटेंगे, बीच में क्यों हटना, तो वाली बात है। बच्चे ड्रॉप कर देते हैं ना कि भाई टफ है ये वो है, मतलब इतना टफ भी नहीं है, आप मेंटेन कर सकते हो 72% जिस हिसाब से मैंने मार्किंग देखी। बाकी अब आगे पता चलेगा भाई, अभी तो स्टार्ट हुआ है। एक मिनट कि भाई फाउंडेशन का ऐसे ही है, मतलब इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, जब हमारे जैसे बालक कर सकते हैं। हम साले लॉ में नहीं पढ़े, हम एमबीए में आके पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है आप तो पढ़ रहे हैं, मतलब बताना पड़ेगा ना, उन लोगों को भी जानना रहेगा। हाँ भाई, दिस गाय इज इंजीनियर, दिस इज न्यू चेहरा ऑन माय व्लॉग, ये हमारे जैसे हैं भाई। और मेरे बारे में और बोल, बॉम्बे से हूँ। हाँ मेन बात है ये, हाँ मेन बात है ये कि भाई कनाडा आके कैसा लगा। कनाडा आके भाई अपना तो ऐसी है, देखो हम आते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज से, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो हमने देखी है, तो इतना कोई वो नहीं है, मतलब बस थोड़ा साफ सफाई है और थोड़ा खाली है, बस ये लगा लो। तो मुंबई वाले को तो बिल्कुल ही खाली लगा जब दिल्ली वाले को लग रहा, तो और यहाँ आ रहे हो तो पंजाबी सीख के आना भाई। हाँ एटलीस्ट बेसिक पंजाबी तो आनी चाहिए। हाँ इंग्लिश आए या ना आए, बेसिक पंजाबी आनी चाहिए। इंग्लिश आए पे 6 भी मिला चलेगा, पंजाबी में 10 लाना वही हिसाब किताब है भाई। बाकी अभी खड़े हैं, जरा कहीं जाना है, वेट कर रहे हैं किसी का आते हैं। बाकी ये वीडियो कंक्लूड करूंगा अभी घर जाके, अगले फ्रेम में घर पे देखना। हाँ फाउंडेशन में पढ़ाते क्या क्या भाई, इकोनॉमिक्स में तो भाई आपको माइक्रो मैक्रो पढ़ाएंगे वो सब के भाई कैसे क्या होता है, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपको बेसिक मैथ्स और एक्सेल पे मैथ्स कैसे करना है वो सिखाएंगे भाई, एक्सेल का यूज़ बहुत है क्योंकि वो सिखाएंगे। और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन में भाई कि आपको कम्युनिकेट कैसे करना है अपना भाई, बिजनेस ईमेल्स कैसे लिखनी है, पोलाइटली किसी को मना करना है तो पोलाइटली कैसे काम करना है बिना रूड होए, तो वो एक मतलब आपको बेसिकली एक कॉरपोरेट कल्चर सिखाते हैं, कॉरपोरेट कल्चर का बेस सिखाते हैं इसमें कि कैसे क्या है। तो बस मोटा मोटा यही है, बाकी ये मेरा रिव्यू अभी है उसका ही, फाउंडेशन बढ़िया कर सकते हो। और बाकी भाई फाउंडेशन की बात करूं कि भाई कैसे क्या अपना रहा, तो मेरी फाउंडेशन तो क्लियर हो चुकी है, उसमें कोई वो नहीं है। और अब 4 जुलाई से मेरा नया सेमेस्टर स्टार्ट है, तो अब आपको UCW आना चाहिए या नहीं आना चाहिए भाई, देखो अगर आपको MBA करनी है तो आओ, तसल्ली से करनी है तो आना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ ना करो या मतलब बहुत कम एफर्ट डालो और आपका हो जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं है, आपको एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। चाहे वो असाइनमेंट्स हैं या कुछ भी है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है। बाकी यूनिवर्सिटी अच्छी है, प्रोफेसर्स भी, मतलब अभी तक मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा है भाई, बच्चों का एक्सपीरियंस बुरा भी रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सबका ही अच्छा रहा है, इफ़ देर इज़ गुड देर इज़ बैड वो वाली बात है, प्रोज एंड कॉन्स, हर तरह का प्रोफेसर है। मेरा एक्सपीरियंस सो फार सो गुड रहा है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भैया अगर आपको मतलब कंसिडर कर रहे हो
MBA करने की, तो आप UCW को एज ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो. इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, नॉट वेरी गुड बट हाँ इट गेट्स द जॉब डन. बाकी इंडिया वाले रेट हैं, इंडिया में भी आप अगर किसी ढंग की जगह से MBA करोगे तो आपके अच्छे पैसे लग जाते हैं, उसमें कोई वो नहीं है. तो बाकी भाई फाउंडेशन के बाद अब हम जो है पार्ट टाइम काम करने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, तो वो भी अब करेंगे स्टार्ट. देखते हैं किसका क्या कैसे हिसाब बैठता है उस चीज़ का भी. अभी जॉब्स वगैरह देखनी पड़ेंगी, जो भी है जैसे भी है. फाउंडेशन अपनी क्लियर है इसमें आपको फाउंड. और इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू गिव इट अ थम्स अप, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. और अब अगली वीडियो आएगी अपनी कि भाई मेरे को ऑलमोस्ट अब 3 महीने हो चुके हैं यहाँ पे, अब 2-4 दिन में 3 महीने हो जाएंगे. माय 3 month एक्सपीरियंस इन कैनेडा एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो वो देखते हैं उसका क्या हिसाब किताब रहता है और कैसे क्या है. तो लेट्स सी कैसा जाता है.